चीन जितनी तेजी से भारत की घेराबंदी कर रहा है उससे रक्षा विशेषज्ञ फिक्रमंद हैं। वो मानते हैं कि पाकिस्तान में चीन का आर्मी बेस तैयार होने से पहले ही भारत को जवाबी रणनीति तैयार करनी होगी। पाकिस्तान की जमीन पर चीन का आर्मी बेस, ये वो खबर है जिसने भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका की पेशानी पर भी बल पैदा कर दिया है। अब तक चीन का विदेश में कोई आर्मी बेस नहीं है और वो अमेरिका को इसी बात का ताना देता रहा है कि अमेरिका दुनिया भर में आर्मी बेस बनाकर दादागिरी करता है। अब दुनिया की नंबर वन महाशक्ति बनने के लिए चीन लोहे से लोहा काटने का प्लान बना रहा है। पाक चल सकता है दोहरी चाल, हिंदुस्तान को रहना होगा सावधान। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान इस मामले में दोहरी चाल चल सकता है। मुमकिन है कि वो अमेरिका को खुश करने के लिए चीन को आर्मी बेस न बनाने दे, लेकिन साथ ही वो चीन को पाकिस्तानी सैनिक अड्डों के इस्तेमाल की खुली छूट दे सकता है। अगर उसका दाहिना हाथ पाकिस्तान काट दिया जाए और पाकिस्तान बिखर जाता है, जिसमें बलूचिस्तान अलग हो जाता है, तो गदर पोर्ट उनका प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि बलूचिस्तान में भारत और पश्चिम देशों के लिए बहुत गुडविल है। और वहां पर अगर हमारा बोलबाला हो जाता है और हमारी रणनीति में उनको हम असिस्टेंस देते हैं, तो चाइना का प्रभाव वहां से कम हो जाएगा। पूरब में भी चीन का पैंतरा, कोको आइलैंड में बनाया अड्डा। चीन एक तरफ भारत के पश्चिमी सरहद पर आर्मी बेस बनाने के लिए पाकिस्तान में जमीन तलाश रहा है, तो वहीं पूर्वी सरहद पर उसने एक अड्डा पहले से बना रखा है। अंडमान निकोबार से 40 किलोमीटर दूर म्यांमार का कोको आइलैंड है, जहां चीन ने एक हवाई अड्डा भी बना लिया है जिस पर छोटा विमान लैंड कर सकता है। जानकार मानते हैं कि कोको आइलैंड के इस बेस को चीन की आर्मी इंटेलिजेंस स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक।